हेलो दोस्तों, आजकल पितर पक्ष चल रहा है, जिसको श्राद्ध भी कहते हैं। प्रेग्नेंट महिला के लिए कुछ खास नियम होते हैं इस दौरान। पुराने जमाने से लेकर आज तक की प्रेग्नेंट महिलाएं पितर पक्ष के दौरान सचेत रहती हैं, जागरूक रहती हैं, कुछ गलत नहीं करती हैं, क्योंकि इससे उनके शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है, उनके लिए भी ठीक नहीं होता। हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान का विशेष महत्व होता है। उनके आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ की जाती है। पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण किया जाता है और पूजा पाठ की विधि नॉर्मल पूजा पाठ से बिल्कुल अलग होती है। तो प्रेग्नेंट महिला को इस समय खास एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय पितरों के साथ साथ बुरी आत्माएं भी धरती पे आ जाती हैं, जैसा कि पुराने ग्रंथ कहते हैं, और जिनका असर प्रेग्नेंट महिला पर पड़ता है और उनके घर में पल रहे शिशु पर पड़ता है। तो प्रेग्नेंट महिला को ऐसे नौ कौन कौन सी चीज नहीं करने चाहिए, क्या करने से बचने चाहिए, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ना शिशु पे इसका कोई प्रभाव पड़े, ना खुद प्रेग्नेंट महिला पे इसका कोई असर हो। तो आइए जानते हैं प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या नहीं करने चाहिए। पितर पक्ष पर प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी एकांत जगह पे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां होती है जो प्रेग्नेंट महिला पर बुरा असर डालती है। इस दौरान गर्भवती महिला को किसी भी बुजुर्ग का मन भूलकर भी नहीं दुखाने चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं और आप पे इसका असर हो जाता है। इस दौरान गाय, कुत्ते और कौवे को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाने चाहिए, ना तो मारने चाहिए, ना तो नफरत करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस समय हमारे पितर इन्हीं रूपों में धरती पे आते हैं और श्राद्ध का भोजन मांगते हैं, जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथ कहते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को किसी भी गरीब व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा हो, कोई गरीब व्यक्ति, तो अपमान नहीं करें। ऐसा करने से भी आपके पितर आपको श्राप दे सकते हैं, जिसका सीधा असर आप पे पड़ेगा। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए जो शास्त्रों में वर्जित हो, क्योंकि प्रतिपक्ष में प्रत हमारे आसपास होते हैं, तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। इस समय प्रेग्नेंट महिला को फिजिकल रिलेशनशिप भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से शिशु अस्वस्थ पैदा हो सकता है। प्रेग्नेंट महिला को इस दौरान नॉनवेज फूड नहीं खाने चाहिए, इससे बचने चाहिए। ऐसा करने से उनके पितर नाराज हो जाते हैं। इस दौरान प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा सुगंधित चीजों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, ज्यादा सजने धजने नहीं चाहिए, क्योंकि इस दौरान नेगेटिव चीजें जल्दी हावी हो जाती है और इसका सीधा असर आप पे पड़ता है, आपके गर्भ पे पड़ता है। तो 15 दिन की बात है दोस्तों, आशा करती हूँ आप जरूर मानेंगी और मानना भी चाहिए। जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथ कहते हैं, आपको इस समय बच के रहना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी और बड़े काम की है। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, ताकि उनको भी ये पता चले, और वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।